भारत ऑस्ट्रेलिया वन अड्डे सीरीज के पहले तीनों मुकाबले में जीत के बाद टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। बीती रात रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। सीरीज जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो वनडे के लिए बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने रविंद्र जडेजा को बाहर करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को टीम में शामिल कर लिया है। चेन्नई में सीरीज की शुरुआत से पहले ही अक्षर पटेल के टखने में चोट लग गई थी। इसके बाद चयनकर्ताओं ने उनकी जगह जडेजा को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी थी, लेकिन रविंद्र जडेजा को पहले तीनों वनडे मुकाबलों में से एक में भी मौका नहीं मिला। रविंद्र जडेजा के साथ ही आर अश्विन को भी आराम देने की बात कहकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर रखा गया है। पारिवारिक कारणों से पहले टीम वन अड्डे टीम से बाहर रहे शिखर धवन आखिरी दोनों मुकाबलों में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि टीम में से दो मुकाबलों में अर्धशतक जमाकर बेहतरीन फॉर्म का परिचय दे चुके अजिंक्य रहाणे टीम के साथ बने रहेंगे। भारतीय टीम का चौथा मुकाबला 28 सितंबर को चौथा वन अड्डे बेंगलोर में खेला जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर को पांचवें वनडे मैच में दोनों टीमें नागपुर में भिड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, केएल राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल।